बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर कहा राहुल ने खोला है नफरत का मेगा मॉल। आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। राम और हनुमान पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका में दिए बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। मनोज तिवारी ने कहा सैम पित्रोदा ने मंदिरों पर जहरीले बोल। उन्होंने शासन के दौरान ही भारतीय संस्कृति का मंदिरों का इतना नुकसान किया हो, वो आज भी जागे हैं तो उनके खिलाफ जहर ही बोले हैं। नौकरी पर वापस लौटे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ज्वाइन की नौकरी। साक्षी बोली मांग पूरी होने तक चलती रहेगी लड़ाई। बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष बैठक में रहे मौजूद। बालासोर ट्रेन हादसे पर सियासी पारा चढ़ा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साजिश का लगाया आरोप। रेलवे के दो अफसरों की बातचीत टैप किए जाने का किया दावा। दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन कैसे ये लोग का पता चल गया, इसका पीछे क्या है? साजिश है, टीएमसी का साजिश है। लखनऊ में होर्डिंग गिरने से दो लोगों की मौत, इकाना स्टेडियम के पास आंधी की वजह से गिरी होर्डिंग, गाड़ी पर होर्डिंग गिरने से हुआ हादसा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो कई नेता देश छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान भाग गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना इन नेताओं की तलाश अफगानिस्तान और ईरान में कर रही है। वहीं पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि कुछ नेता ईरान से यूरोप के देश भी भाग गए। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि 100 से ज्यादा नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा, और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पार्टी छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी बना सकते हैं और इसका ऐलान शनिवार या रविवार को हो जाएगा। साथ ही इस नई पार्टी का अध्यक्ष जहांगीर खान तरीन को बनाया जा सकता है। जहांगीर खान वही शख्स है जिन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को खड़ा किया था और उनके साथ अलीम खान और ओन चौधरी बराबर के हिस्सेदार थे। आरोप है कि इमरान जैसे ही पावरफुल हुए उन्होंने इन तीनों नेताओं को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि उनके खिलाफ कई केस भी करवा दिए। अब जबकि इमरान की पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है तो ये तीनों नेता पीटीआई छोड़ने वाले लोगों के साथ नई पार्टी बनाने वाले हैं।